एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अनस्टेट केमिस्ट्री। आज की इस लेक्चर में हम पार्किंग रिएक्शन की शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे और कुछ सवाल करेंगे। देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, बट उसका आंसर मैं आज की क्लास में लिख दिया, आप लोग प्लीज नोट कर लोगे। देखो, मैंने पिछले क्लास में एक बातें बताया था कि एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने क्यों लिया। अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड हम लोग ले लेते, इन दैट केस क्या पार्किंग रिएक्शन हो सकता था, वो मैंने एक क्वेश्चन किया था। देखो, उसका ही आंसर यही होगा कि एलिफेटिक एल्डिहाइड की अगर मैं एग्जांपल बताऊं, लेट अस अज्यूम एसिटाल्डिहाइड, अगर हम एसिटाल्डिहाइड ले लेता तो सीओएचओ के बगल वाला कार्बन में क्या है, तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है और तीनों हाइड्रोजन ही कैसा हाइड्रोजन, बोलो एसिडिक हाइड्रोजन। अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, बोलो एसिड बेस, क्योंकि बेस भी रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट है। किस क्या बेस, ऑब्वियसली एसिडिक एनहाइड्राइड जो हमने पार्किंग रिएक्शन में लिया था उसका ही मैंने क्या बोला था, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट लेना पड़ेगा, वो सॉल्ट एज अ बेस रिएक्शन में काम करेगा। तो यहां पर एसिटाल्डिहाइड की अगर मैं बात बताऊं, सीएचओ के रेस्पेक्ट में, सीएचओ फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो कार्बन अटैच्ड है उस कार्बन के साथ तीन एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और रिएक्शन मीडियम में बेस भी प्रेजेंट है, सो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। सो एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद में क्या होगा, वहां पर बेसिकली एक एनोलेट आयन फॉर्म होगा और जो एनोलेट आयन फॉर्म होता है बहुत ही रिएक्टिव होता है। सो एनोलेट आयन जो फॉर्म होगा वो फिर से और एक एल्डिहाइड, दैट इज एसिटाल्डिहाइड, मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं, और एक एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कर सकता है। इसलिए हम यहां पर एरोमेटिक एल्डिहाइड इसलिए लिया क्योंकि वहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है जो एसिडिक नेचर शो करेगा, इसलिए पार्किंग रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड हमको लेना पड़ेगा, एलिफेटिक को नहीं लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? आप कोई कोई स्टूडेंट मुझे पूछ सकते थे, सर फॉर्मेल्डिहाइड आपने क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड एक पागल किस्म के आदमी है, वो कुछ रिएक्शन अनवांटेड रिएक्शन, मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं, कुछ अनवांटेड रिएक्शन कर लेता है क्योंकि उसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड को क्या बोलता है, बोलो सुपर एल्डिहाइड। सो इसलिए हमने फॉर्मेल्डिहाइड का बात यहां पर नहीं किया क्योंकि रिएक्टिविटी हाई है, तो कहीं पे जाके किसी भी टाइप का रिएक्शन, दैट इज अनवांटेड रिएक्शन कर सकते हैं, इसलिए मैं एसिटाल्डिहाइड की एग्जांपल लिया। इज इट क्लियर? तो हमने ये जो क्वेश्चन लिखा कि हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड को क्यों लिया और एलिफेटिक को क्यों नहीं लिया पार्किंग रिएक्शन में, उसका आंसर यही होगा कि अगर हम एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लेता, दैट इज एसिटाल्डिहाइड, इन दैट केस क्या हो जाता, बोलो बोलो, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाता। सो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए, मैं और एक बार बोल रहा हूं, अवॉइड करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, और एरोमेटिक एल्डिहाइड मैंने क्या लिया था, बोलो बेंजाल्डिहाइड। सो इसका आंसर यही होगा। इज इट क्लियर? आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखो। देखो, रिएक्शन तो हर लोग बता देता है और आप लोग बहुत सारे लोग रट के चला जाते हो, बट रिएक्शन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो तो आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। यहां पर देखो और एक क्वेश्चन, जो हमने पार्किंग रिएक्शन में एनहाइड्राइड लिया था उसका ही सॉल्ट क्यों हमको लेना पड़ेगा। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैंने पार्किंग रिएक्शन में पिछले क्लास में एसिडिक एनहाइड्राइड लिया था और उसका ही हमने एक सॉल्ट लिया था, एसिटिक एनहाइड्राइड की सॉल्ट लिया था, नाम क्या था, बोलो सोडियम एसिटेट। क्यों, अगर हम डिफरेंट ले लेता तो क्या प्रॉब्लम आ जाता, बोलो ना क्या प्रॉब्लम आ जाता, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया था, ये यही प्रॉब्लम होता। देखो, अगर हम एक डिफरेंट सॉल्ट ले लेता और एक डिफरेंट एनहाइड्राइड ले लेता, इन दैट केस यही दिखा गया कि एक एक्सचेंज टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाता है हायर टेम्परेचर में। सो क्या हो जाता है, एक एक्सचेंज टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाता है हायर टेम्परेचर में, और अगर एक्सचेंज टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएगा तो और एक नया एनहाइड्राइड भी फॉर्म होगा और उसके साथ और एक नया सॉल्ट भी फॉर्म होगा। इसका मतलब यहां पर ओल्ड एनहाइड्राइड तो है और एक नया एनहाइड्राइड भी फॉर्म हुआ, और ये ओल्ड एनहाइड्राइड और न्यू एनहाइड्राइड दोनों एनहाइड्राइड ही किसके ऊपर जाके अटैक करेगा, बोलो किसके ऊपर,
एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर जाके अटैक करेगा, तो ऐसा रिजल्ट क्या होगा, बोला मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमको सेम ही कार्बोक्सिलेट सॉल्ट लेना पड़ेगा जिसका हम एनहाइड्रेट ले रहे हैं, जिसके एनहाइड्रेट ले रहे हैं उसका ही हमको सॉल्ट लेना पड़ेगा। यही पीछे राज है, यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा कि अगर यहाँ पर सेम अगर नहीं लेते तो इन दैट केस यहाँ पर एक एक्सचेंज रिएक्शन हो जाता है हायर टेम्परेचर में। इसलिए बोथ द एनहाइड्राइड यहाँ पर रिएक्शन कर लेते हैं किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, और यहाँ पर क्या बन जाता है, बोलो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए हमको सेम ही लेना पड़ेगा, जिसका हम एनहाइड्राइड ले रहे हैं उसका ही हमको सॉल्ट लेना पड़ेगा। ये दो क्वेश्चन अच्छे से नोट करो, उसके बाद मैं ट्रिक बोल रहा हूं। अब आते हैं ट्रिक ऑफ पार्किंग रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम जैसे आईआईटी जेई, आईआईटी जैम, नीट, वो स्टूडेंट तो ये ट्रिक जरूर देख लेना, क्योंकि आपको बहुत मदद मिल जाएगा, बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। देखो पार्किंग रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं, एकदम सामने देखना प्लीज, ट्रिक को अच्छे से समझना, अगर एक भी गलत चीजें आपके दिमाग में आ जाए तो प्रोडक्ट नहीं आएगा, ठीक है। सो एकदम अच्छे से समझना और जो जो मैं बातें बोलूंगा प्लीज नोट करते जाना। सो पार्किंग रिएक्शन में मैंने क्या बोला था, हमको एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, लेटेस्ट से बेंजाइल्डिहाइड, और उसके साथ क्या लेना पड़ेगा, एसिडिक एनहाइड्राइड, और जिसका हम एसिडिक एनहाइड्राइड लेंगे, जिस एसिडिक एनहाइड्राइड हम लेंगे उसका ही हमको सॉल्ट लेना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट बना था पिछले क्लास में सिनामिक एसिड बना था, और सिनामिक एसिड की ई फॉर्म ज्यादा बहुत ही स्टेबल है, क्योंकि जिस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होता है वो बहुत ही स्टेबल है, इसलिए ई आइसोमर विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा, दैट इज ई फॉर्म एंड जेड फॉर्म, बट ई फॉर्म विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब ट्रिक में आओ, देखो ये जो सीओ है ना, ये जो सीओ है इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन है, अब इस अल्फा कार्बन की दो हाइड्रोजन को लटक कर लिख लो प्लीज, अच्छे से देखना, अच्छे से देखना, ये जो सीओ है इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, अब अल्फा कार्बन की दो हाइड्रोजन को हमको लटक कर लिखना पड़ेगा, और ये जो सीओ है यहां से ऑक्सीजन और यहां से दो हाइड्रोजन बाहर कर दो, बस बाहर कर दो। और एक चेंज आपको करना पड़ेगा, क्या, ये जो COCHC है ना इसको रिप्लेस कर दो हाइड्रोजन से, तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। देखो यहां पर क्या होगा, देन पीएच तो है उसके साथ CH तो है, अब डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, अब उसके साथ क्या है CO और उसके साथ क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर COCHC था, और मैंने क्या चेंज करने बोला, COCHC को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलो ये प्रोडक्ट ही तो आ गया, देखो ना, देखो देखो ये और ये तो सेम ही प्रोडक्ट है, सिनामिक एसिड ही तो है। तो यही हमारा शॉर्ट ट्रिक्स है, क्या शॉर्ट ट्रिक्स है, पहले पानी को यहां से रिप्लेस कर दो, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सीओ के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन मैं बोल सकता हूं, ये दो हाइड्रोजन को आपको बाहर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर CH2 रहता इन दैट केस यहाँ पर दो हाइड्रोजन को अगर आप लोग कर लेते यहाँ पर ओनली कार्बन ही पड़ा रहता, इज इट क्लियर, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, आप लोग इसको अच्छे से नोट करो पहले, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो। सो अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, प्लीज सामने देखना और क्वेश्चन को पहले नोट करो। देखो ये जो पहला क्वेश्चन है ना इसका नाम क्या है, बोलो फुरफुरल है ना, इसके बारे में इस मॉलिक्यूल को आप लोग देखोगे जब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को पढ़ोगे वहां पर फुरफुरल के बारे में दिया गया है। अब यहां पर मैं जो ये क्वेश्चन है ना इसको मैं शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से करूंगा, ठीक है, यहां पर मैं शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से करूंगा। सो पहला काम मेरा क्या होगा, इस एसिडिक एनहाइड्राइड को खुलकर लिखना पड़ेगा, CH3 सी डबल बॉन्ड O सी डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको भी लिखो, ये जो फुरफुरल है इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। अब यहां पर एक काम करना पड़ेगा, क्या, मैंने कुछ देर पहले ही बोला
कि यहां से ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन को हमको लटक कर लिखना है, क्योंकि सीओ के बगल वाला कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। सो ये दो हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन बाहर कर दो, सो पानी तो बाहर जाएगा और एक हमको चेंज करना पड़ेगा, क्या बोलो ना, सीओ सी एच सी को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या आएगा बोलो, सो फुरफुरल के अगर मैं बात बताऊ, यहां से फुरफुरल से ये ऑक्सीजन ओनली चला गया है तो CH तो रह जाएगा। अब इस डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, अब यहां पर क्या प्रेजेंट है बोलो, C डबल बॉन्ड हो और यहां पर तो एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और मैंने लास्ट में क्या बोला यहां पर कि COCH3 को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलू, ये जो प्रोडक्ट है ना इसका ई फॉर्म जो होगा वो मेजर होगा, क्योंकि जिस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड होगा वो ई फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ई फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। सो मोर स्पेसिफिक अगर मैं प्रोडक्ट को अच्छे से दिखा तो ऐसा दिखाई देगा, CH तो यहां पर रहेगा डबल बॉन्ड, उसके साथ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऑपोजिट में रहेगा, क्यों बोलो, बोलो ना, ई है ना, ई आइसोमर है ना, इसलिए ऑपोजिट में रहेगा। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो आप सेकेंड क्वेश्चन को करो, एक ही चीज है यहां पर, मैं एक बार में बोल रहा हूं क्या प्रोडक्ट होगा। देखो यहां पर ऑक्सीजन तो बाहर चला जाएगा तो CH तो एक आएगा, आप डबल बॉन्ड के साथ एक CH की फिर से बॉन्ड होगा, अब यहां पर CO यहां पर OH ये प्रोडक्ट होगा, और इसका भी अगर मैं बात बताओ ई फॉर्म मोर स्टेबल होगा। सो मोर स्पेसिफिक अगर मैं प्रोडक्ट को अच्छे से लिखू, प्लीज प्रोडक्ट की अगर मैं बात बताओ ई फॉर्म स्टेबल होगा, मोर फॉर्म होगा, ठीक है। सो अगर आपकी क्वेश्चन में आ जाए कि ई और जेड में से कौन सा ज्यादा फॉर्म होगा तो आप लोग लिखोगे कि ई आइसोमर फॉर्म होगा, इज इट क्लियर। सो जेड को मेजर प्रोडक्ट बनाकर मत आना, वो माइनर होगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होगा, बट ई फॉर्म विल बी द मेजर प्रोडक्ट, इज इट क्लियर। आप यहां पर जो सी डबल बॉन्ड सी, आप यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर COH, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अब देखो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या यहां पर तो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं दिया गया बट पार्किंग टाइप ही रिएक्शन होगा, ये जीजैकली बुक का सवाल है, जीजैकली बुक का सवाल है। सो ये क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से देखना, सेम ही ट्रिक के हेल्प से हम करेंगे। पहले क्या करेंगे, Cl F2C, उसके साथ कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां पर तो pH है, और यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा बोलो, एसिडिक एनहाइड्राइड को खुलकर लिखना पड़ेगा, और क्या काम है, एकदम इजी, एसिडिक एनहाइड्राइड को खुलकर लिखो पहले, आप क्या करोगे बोलो ना, ये दो हाइड्रोजन को आपको लटक कर लिखना पड़ेगा, और यहां से ऑक्सीजन और यहां से दो हाइड्रोजन बाहर कर दो, बाहर करने के बाद और एक चेंज लाना पड़ेगा, यहां पर ओनली सीओ CH3 को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो। सो प्रोडक्ट जो बनेगा Cl F2C, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड, और सो मैं यहां पर दिखा रहा हूं ई फॉर्म एक बार में दिखा रहा हूं, इज इट क्लियर, और यहां पर तो एक pH होगा। सो यही हमारा प्रोडक्ट होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन है, इज इट क्लियर, सो यही हमारा प्रोडक्ट होगा। सो ये बुक में दिया गया है ये सवाल। अब यहां पर देखो ये भी सेम ही है, ये क्या है, एक तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो प्रोडक्ट एक बार में मैं दिखा रहा हूं, सो NO2 हो जाएगा, उसके साथ तो ये बेंजीन रिंग है ही, और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर क्या होगा C डबल बॉन्ड OH, यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर CO CH2 CH3 को हाइड्रोजन से रिप्लेस करना पड़ेगा, इज इट क्लियर। सो यहां पर भी ई फॉर्म ही मेजर बनेगा, आप लोग कर लेना, मैं एक बार में ही दिखा गया प्रोडक्ट को, एक बार नहीं मैंने प्रोडक्ट को दिखाया, मैं बार बार क्यों ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, आप लोग तो समझ गए होंगे, तो आपका काम होगा ई आइसोमर को ड्रॉ करना, इज इट क्लियर। सो इसको पहले अच्छे से नोट कर लो,
तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और एक मैं नेम रिएक्शन स्टार्ट करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को अगर अच्छा लगा है प्लीज कॉमेंट करके बोलो। थैंक्स।